नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, नीतीश सरकार में मंत्रियों को मिला प्रभार, गृह विभाग सीएम के पास। आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में मंगलवार को नव गठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से सभी विभागों के नाम। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास कौन से विभाग है। तो उनके पास सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन। सेकंड में आते हैं तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनके पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और नगर विकास और आवास विभाग उनके पास है। फिर तीसरे में आते हैं रेणु देवी, वो भी उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके पास पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और उद्योग विभाग दिया गया है। फिर आते हैं विजय कुमार चौधरी, उनके पास ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। उनके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव, उनके पास ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। उनके बाद अशोक चौधरी, भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण उनके पास विभाग में है। फिर मेवालाल चौधरी जिन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। फिर शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के विभाग दिया गया है। फिर मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। और अंत में जीवेश कुमार को श्रम संसाधन, पर्यटन एवं खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। बिहार की सरकार में पहली बार भाजपा को विभाग ज्यादा, इंजीनियर नीतीश के पास 5, 12वीं पास डिप्टी सीएम तारकिशोर के पास 6 विभाग। जी हां, बिहार सरकार में पहली बार विभागों की संख्या के मामले में भाजपा जदयू के मुकाबले ज्यादा ताकतवर दिख रही है, लेकिन भारी विभाग जदयू ने अपने पास ही रख लिए हैं। जदयू से मुख्यमंत्री समेत 6, जबकि भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री समेत 7 ने शपथ ली है। मंगलवार को इनके विभागों के बंटवारे के बाद भी नीतीश के नेतृत्व वाले जदयू के पास भाजपा के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग आए हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा के दबाव के बावजूद गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। यह अलग बात है कि खुद इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 6 विभाग, जबकि 12वीं पास डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त और आईटी समेत 6 विभाग नसीब हुए हैं। पहली बार विधायक बनने के साथ ही शीला कुमारी ने मंत्रिमंडल में बना ली है जगह। जी हां, फूलपरास की नव निर्वाचित विधायक शीला कुमारी की राजनीतिक किस्मत चंद दिनों के भीतर ही ऐसी चमकी की मिसाल बन गई। शीला कुमारी पहली बार विधानसभा की चुनाव लड़ी और कांग्रेस के दिग्गज एवं कदावार नेता कृपानाथ पाठक को 10,966 मतों के अंतर से पराजित करने में सफल रही। इतना ही नहीं, पहली बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही इन्हें बिहार मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल गया है। साथ ही आपको बता कि शीला कुमारी को परिवहन विभाग दिया गया है। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर, राजभवन को भेजा गया प्रस्ताव। एनडीए की नई सरकार के पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया है। 23 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी निभाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराए। प्रोटेम स्पीकर के आसन पर रहते ही नए स्पीकर का चुनाव संपन्न होगा। जीतन राम मांझी विधानसभा के पुराने सदस्यों में आते हैं और परंपरा के मुताबिक सबसे अनुभवी सदस्यों में से ही किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के ये आरोप। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरजेडी ने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से
ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा है। तारापुर के नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जदयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला साबोर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। दूसरी ओर सुशील मोदी पर भड़के शिवानंद तिवारी, कहा किसी को आगे बढ़ता नहीं देख पाते थे इसीलिए हटाए गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दोबारा उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बात से पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी सुशील मोदी पर बड़ा बयान दे दिया है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि एनडीए में सुशील मोदी का पर इसलिए कतर दिया गया क्योंकि वह किसी अन्य नेताओं को नहीं बढ़ने दे रहे थे और मीडिया का ध्यान पाने को भूखे थे। उन्होंने आगे कहा कि सुशील मोदी की भूमिका बीजेपी के लिए कम और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर कहीं ज्यादा हो गई थी, यही वजह है कि उनको उनकी जगह बता दी गई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बोलने में फंसे, एक ने नीतीश को बताया पीएम, दूसरे ने साल को बताया 20,020। तो आइए जानते हैं शपथ ग्रहण के दौरान क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की। तारकिशोर प्रसाद का करीब 10 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चाह रहे थे लेकिन जुबान से नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकल गया। वे कहते हैं ये स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार, तभी पीछे से कोई नाम लेता है नरेंद्र मोदी जिसके बाद वो उसे सुधार लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की। रेणु देवी करीब 3 दशकों से राजनीति में है। उन्होंने खुद कहा कि वे साल 1988 से भाजपा में है और यही कहते कहते उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई और साल 2020 को उन्होंने 20,020 कह दिया। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, नीतीश मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण जानिए। बिहार में इस दफे बने मंत्रिमंडल ने संभवतः इतिहास बना दिया है। नए मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। बिहार में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि 15% की आबादी वाले तबके में किसी को जगह नहीं दी गई है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है लेकिन पहली बार में किसी मुस्लिम को जगह नहीं मिला है। आपको बता दें पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे जेडीयू के खुर्शीद उर्फ फिरोज भी इस दफे चुनाव हार गए हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम विधान पार्षद को जगह देंगे। विधान परिषद में जेडीयू के पास पर्याप्त संख्या में मुसलमान एमएलसी हैं। अगली बड़ी खबर, मतों की गिनती से असंतुष्ट महागठबंधन के 21 प्रत्याशी न्यायालय की शरण लेंगे। जी हां, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने मतों की गिनती से असंतुष्ट करीब 21 प्रत्याशियों को कोर्ट में जाने के लिए कहा है। दो टूक बता दिया है कि पार्टी इस मामले में आप लोगों की पूरी ताकत के साथ मदद करेगी। इसके बाद प्रत्याशी निजी तौर पर इस दिशा में अपने अपने वकील तलाश रहे हैं। 21 प्रत्याशी में सबसे ज्यादा राजद के 14 से अधिक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक छठ बाद इस दिशा में याचिका दाखिल की जाएगी। दरअसल महागठबंधन को उम्मीद है कि अगर वह न्यायालय में अपनी आपत्ति साबित कर सका तो संभव है कि विधानसभा में आंकड़ा उसके पक्ष में हो जाए। तो आइए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 513 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,27,946 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,295 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं राजधानी पटना में बात करें तो राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 186 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 1190 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 597 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं।
राज्य में डेंगू का कहर, बिहार में 338 और पटना में 225 हुई डेंगू संक्रमित की संख्या। 3 दिन में बिहार में 63 तो पटना में 20 मामले बढ़े। जी हां, राजधानी पटना में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन मामला बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों में बिहार में 63 और पटना में 20 नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में डेंगू का संक्रमण काफी खतरनाक है, सावधानी से ही इसे बचा जा सकता है। 14 नवंबर को प्रदेश में डेंगू के संक्रमित की संख्या 275 रही और पटना में 205 लोगों को डेंगू हुआ। 3 दिन बाद 17 की संख्या बढ़ गई और मंगलवार की शाम को बिहार में डेंगू संक्रमित की संख्या बढ़कर 338 हो गई है और पटना में 225 रही। डॉक्टरों का कहना है कि पटना प्रदेश में सबसे अधिक डेंगू प्रभावित जिला है। अगली बड़ी खबर, जहरीली हवा की रैंकिंग में पटना देश के अंदर तीसरे स्थान पर, मुजफ्फरपुर बना नंबर 1। जी हां, देश के अंदर जहरीली हवा की रैंकिंग में पटना तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि बिहार के कई शहरों में लगातार जहरीली हवा का स्तर बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर जहरीली हवा की रैंकिंग में टॉप पर है। मुजफ्फरपुर का AQI लेवल 287 है, जबकि दूसरे नंबर पर मानसर और तीसरे नंबर पर 251 के साथ पटना है। दिल्ली का AQI लेवल 212 दर्ज किया गया है। दीपावली के बाद सही पटना में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। पटना देश के कुल 116 शहरों में तीसरे स्थान पर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के मुताबिक अगर ये किसी भी शहर का AQI लेवल 201 से अधिक होता है तो वहाँ की हवा। छठ घाटों पर तैनात रहेंगे जवान, CCTV से रखी जाएगी नजर। छठ पूजा को लेकर पटना पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पटना के हर एक घाटों पर पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। सिपाहियों के अलावा पुलिस के पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। वहीं तमाम चौक चौराहों के पास भी पुलिस बल को लगाया गया है। पटना पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो संभव हो तो अपने घर में ही छठ करें। नहाए खाए के दिन से ही पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी। खतरनाक घाटों पर भी पुलिस के जवान की तैनाती की गई है ताकि उस ओर कोई ना जाए। पटना पुलिस की टीम बोट पेट्रोलिंग भी करेगी। NDRF और SERF की टीम को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क करेगी पुलिस। यूपी को पीछे छोड़ कोरोना पर लगाम लगाने में बिहार बना नंबर 1। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश के 15 राज्यों में कोरोना संक्रमित के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमित की संख्या सबसे कम है। और अंत की सबसे बड़ी खबर, BJP के सभी जिला अध्यक्षों को मिलेगी इनोवा कार, जीत की खुशी में दिया जाएगा गिफ्ट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिला अध्यक्षों को एक एक इनोवा कार गिफ्ट में देने की बात सामने आ रही है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।